आम आदमी पार्टी की अखनूर इकाई ने आज बिजली पानी की किल्लत को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना था कि सरकार लोगों को बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया करवाने में नाकाम सिद्ध हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो आम आदमी की रिक्वायरमेंट है, आम आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है इस वक्त बिजली का, जो है बिजली की सबसे बड़ी हमारे पास क्राइसिस आ गई है। अगर बिजली की क्राइसिस आई है, ये मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमारे जो ये AW साहब बैठे हैं, जो एक्सल साहब बैठे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि जो बिजली पीछे से हमें जो कटौती हो रही है, कट हो रहे हैं, ये पीछे से हो रहे हैं, क्योंकि बिजली जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनकी BJP सरकार की जो नेगलेंसी है, लापरवाही है, जो 70% हमें बिजली दिल्ली से हम परचेज करते हैं, 2400 मेगावाट, जो कि हमें 1200 मिल रही है। इसलिए जो वो थर्मल कोल जो हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं बिजली के, वो उनके पास कोला नहीं है। क्यों नहीं लाया उन्होंने कोला, जिसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगाया, ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? ये हमारी जिम्मेवारी है। पहली बात ये है कि जम्मू कश्मीर में थर्मल प्रोजेक्ट, दूसरी बात ऐसा है, जो हमारे पास प्रोजेक्ट हैं 2000 के मेगावाट हमारे जो सेंटर के जो दरिया चनाब पर बनाए हैं, ठीक है, एग्रीमेंट होता है, हमारे स्टेट के भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, कुल मिलाकर हमें बिजली है 2000 प्लस 1200 कितना बनता है, 3200, ठीक है, 700 मिलती होगी। अगर ये बिजली जो सेंटर हमारे बाहर सप्लाई करते हैं, ये पावर हमें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। हमें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। ये कौन कर सकता है? ये हमारे माननीय केजरीवाल साहब करेंगे जब हमारी गवर्नमेंट आएगी। आज का जो प्रोटेस्ट है वो किसके खिलाफ है, आपको पता है? देखो, आज का जो प्रोटेस्ट है ये बिजली, अगर बिजली नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? हमारा मेन जो मुद्दा है आज बिजली के प्रति है, और बिजली और भी कट हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई सिस्टम नहीं आ रहा है। जो सिस्टम है ना, थर्मल कोल, तो हमारी पावर 70% हमारी पावर हम परचेज करते हैं, 2400 मेगावाट हम परचेज करते हैं, वो कहाँ से परचेज करेंगे? इसलिए हमें सरकार को, हम इनको चेतावनी देते हैं कि गर्मी अब बढ़ेगी, जून जुलाई में गर्मी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो अगर हमारी इस वक्त इनिशियल स्टेज में ये हालत है, जून जुलाई में हमारा क्या बनेगा? देखो जी, जो इस वक्त हमारे पर हर किस्म का माफिया छा गया है, हमारे आम आदमी को, जनता को कोई सुनाई नहीं है। कोई भी काम करना हो, कोई भी हमारे दफ्तर का काम हो, कोई हमारा किसी किस्म का काम हो, अफसर साहब इतनी छा गई है, वो हम पर छा गई है, भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि ये हमारा भ्रष्टाचार, ये जो सरकार बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो BJP की सरकार है, ये भ्रष्टाचार इसी की देन है। और जब तक ये हम सरकार को नहीं हटाएंगे, ये भ्रष्टाचार हमारे सिर से कभी नहीं उतरने वाला है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब ही इसको उठा सकते हैं, और कोई हमारे पास विकल्प बचा ही नहीं है। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन Facebook, डू फॉलो आवर Facebook पेज।